हेलो दोस्तों, बीके टेक कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका पुनः से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे तीन अंकों की गुणा, और वो भी सेकंडों में। मतलब तीन अंकों की गुणा, एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है कि कोई भी जब एग्जामिनेशन हम लोग देने जाते हैं, कोई भी कंपिटेटिव एग्ज़ाम का, तो उसमें लाखों बच्चे फॉर्म भरे रहते हैं, लेकिन अगर वैकेंसी 1000 है तो 1000 बच्चों का ही उसमें रिजल्ट होगा, ये कटु सत्य है। तो हमें कैलकुलेशन में पारंगत होना पड़ेगा ताकि जल्दी से हम इस तरह के क्वेश्चन को हल निकाल कर और आंसर निकाल सकें। तो दोस्तों, आइए इसी क्रम में हम लोग सीखेंगे तीन अंकों की गुणा, जिसमें हमारा रूल रहेगा 1 टाइम 1 डिजिट। एक्चुअली में इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो हम लोग इसको तीन लाइन में करते हैं। पहले तीन से इन तीनों में गुणा करते हैं, लिखते हैं, फिर दूसरे में चार से इन तीनों में गुणा करते हैं, लिखते हैं, फिर तीसरा स्टेप रहता है दो से गुणा करने के बाद लिखते हैं, उसके बाद फिर से सबको ऐड करते हैं, तब हमारा आंसर आता है। यानी कि लगभग 3-4 मिनट तो ऐसे ही खा जाता है। लेकिन हम लोग कुछ ट्रिक अपना के, जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिखा है, अभी आपको देख कर तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जब एक बार समझा दूंगा उसके बाद से आपको एकदम आसान लगने लगेगा और आप आसानी से उसको आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो एक खड़ी लाइन है, ये पहला ट्रिक, पहला स्टेप है ट्रिक का। ये जो क्रॉस करके जोड़ा हुआ है, ये दूसरा स्टेप है, और एक क्रॉस करके एक खड़ी लाइन देकर फिर जोड़ा हुआ है, ये तीसरा मतलब स्टेप है ट्रिक का। और चौथा है फिर सेम जैसे यहाँ पे था, क्रॉस और प्लस और लास्ट में फिर खड़ी लाइन, ये भी एक पाँचवा स्टेप है। तो इस स्टेप को करेंगे कैसे, देखिए। पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला लाइन जो सीधा सीधा ऐसे दिया हुआ है। इस सीधा सीधा मतलब ये दोनों, यानी कि 2 और 3, मतलब ये खड़ा लाइन है, इसका मतलब हुआ इसको, मतलब इन दोनों को गुणा कर दीजिए। तो 3 और 2 को गुणा कीजिए, कितना होगा? 6। यहाँ पे कोई हासिल नहीं है, तो इसलिए हासिल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1 टाइम 1 डिजिट। अगर हासिल आ जाता तो हम हासिल को भी बगल में लिख देते और उसको अगले वाले में जोड़ते। अगला स्टेप है क्रॉस, यानी क्रॉस का मतलब ये 4 से 3 में और 4 से 2 में क्रॉस गुणा करके, और नीचे देखिए लिखा हुआ है प्लस, जोड़ देना है। यानी कि ये ठीक है ना, तो जोड़ते हैं 4 तिहाई 12 और 4 दुनिया 8, 12 8 20। अब 20 यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, 4 तिहाई 12 और प्लस 4 दुनिया 8, 12 8 कितना हो गया, 20 का 0 हाथ में 2, ठीक है ना। मेरा दूसरा स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है कि बीच में खड़ी लाइन है, लेकिन कोने कोने वाले को जोड़ के बीच वाले को गुणा कर देना है, मतलब कोने कोने वाले को गुणा कर देना है और बीच वाले को गुणा कर देना है, तब सबको क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे ये कोना कोना हो गया, मतलब 3 और 1 कोने वाला 3, ये 2 और 1 कोने वाले 2, अब फिर से 4 गुणे 4, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले 3 3 का 9, ठीक है ना, प्लस 2 2 4 मतलब ये वाला, प्लस 4 चौका 16, 9 4 13 और 16 31, 31 आ रहा है ना, 31 9 4 13 13 16 29 आ रहा है, 29 29 और 2 31 31 का 1 हाथ में 3। अब अगला स्टेप क्या है, क्रॉस फिर से, यानी कि ये वाला, चार तिहाई 12 और प्लस 4 दुनिया 8, 12 और 8 20, 20 3 23 का 3 हाथ में 2, अब फिर से खड़ी, खड़ा वाला यानी कि सामने सामने, 3 6 6 2 8, यानी कि आपका आंसर आएगा 83106। आइए दोस्तों, हम दूसरा लेकर चलते हैं। वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूर दूर में करके लिख दिया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था बताने में, तो यहाँ पे पूरा जगह रहेगा तो आप लोग आसानी से समझ सकेंगे। हमारा रूल क्या था, ये वाला रूल था हमारा, ये जो सबसे पहला रूल है कि सामने सामने ऊपर और नीचे वाले को गुणा करना है। दूसरा रूल है कि क्रॉस गुणा, मतलब जैसे मान लीजिए पहला रूल क्या है, ये
यानी कि ऊपर और नीचे गुणा करना है इसको, यानी कि पांतियाई 15, 15 का 5 हाथ में 1। अब मेरा दूसरा रूल क्या है, क्रॉस, यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, और क्रॉस गुणा करके और यहाँ पे लिख दिया गया जोड़ देना है, यानी कि प्लस कर देना है, यानी कि 3 3 9 5 4 20, 20 और 9 29 और एक यहाँ पे आ रहा है आपका 5 3 15 में 5 हाथ में 1 आया था, तो 29 और 1 30 हाथ में 3। ये याद रखना है आपको हमेशा। अगला है कि सबसे कोने कोने वाले को गुणा करके प्लस, आपको क्या करना है, इनको प्लस कर देना है और सामने ऊपर नीचे वाले को गुणा करके प्लस करना है, यानी कि इसको और इसको गुणा कर दीजिए, इसको और इसको गुणा कर दीजिए, और एक खड़ा लाइन दिखा रहा है, ये जो खड़ा लाइन है वो दिखा रहा है, ऊपर नीचे वाले को भी क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिएगा, यानी कि 3 2 6 और 5 2 10, 2 3 6 और 5 2 10 कितना हुआ, 10 और 6 16 और 4 3 12, 12 और 16, 16 और 2 18, 10 28, 28 और 3 31, 31 का 1 हाथ में 3। ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। और चौथा स्टेप क्या है, अब इसका, इसका क्रॉस गुणा। ध्यान रहे कि हम लोग 3 अंकों वाले ही केवल संख्याओं का गुणा सीख रहे हैं, 4 अंकों वाली नहीं, तो ये वाला रूल केवल 3 अंकों वाली ही संख्याओं पे लागू होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अगला, ये तो 3 आ गया और उसके बाद से हम क्या करेंगे, अब इस क्रॉस गुणा करके और क्या करेंगे, यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, जोड़ देना है, यानी कि 3 2 6 4 2 8, 8 और 6 14, 14 और 3 14 3 17, 17 का 7 हाथ में 1। अब क्या है लास्ट वाला स्टेप, आमने सामने ऊपर नीचे वाले को गुणा करना है, 5वां स्टेप, यानी कि ये 2 2 4 और 4 1 कितना हुआ, 5, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही दोस्तों और भी एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आप लोग खुद से बनाइएगा, 4 2 3 3 2 5, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर हमको लिख कर बताइएगा ताकि हम समझ सकें कि आपको ये समझ में आ गया है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।